राजधानी पर रचन। अभी थोड़े दिनों पहले एक शर्म संसद हुई, मैं धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ, मैं शर्म संसद कह रहा हूँ। अगर डकैत नरसिंहानंद त्यागी और जो दूसरे उनके चेले चपाटे चिंडी चोर उनके साथ लगे हुए हैं, अगर हमारे खून से उनकी प्यास बुझती है तो ये लोग आ गए हैं। आइए, चू भी नहीं करेगा, मैं आश्वासन देता हूँ, हमारी गर्दने रखी है, आप तलवार लाइए, गोली लाइए, पहली किस्त तैयार। हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित बयान और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद लोगों ने वहीं बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अमर उजाला की न्यूज साइट से ली गई जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस महानिदेशक से मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरिद्वार में भी मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। देखिए, जो प्रदर्शन है ये किसी पंथ को या किसी मजहब को बचाने के लिए नहीं, ये संवैधानिक प्रदर्शन है। अभी थोड़े दिनों पहले एक शर्म संसद हुई, मैं धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ, मैं शर्म संसद कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, शर्म संसद हुई, जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के 20 लाख लोगों को पहले किस्त में मारने की बात कही गई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, नहीं संविधान चलेगा, नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, ये लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं वो किसी से लड़ने के लिए नहीं जमा हुए हैं। वो पहली किस्त आई है, अगर डकैत नरसिंहानंद त्यागी और जो दूसरे उनके चेले चपाटे चिंडी चोर उनके साथ लगे हुए हैं, अगर हमारे खून से उनकी प्यास बुझती है तो ये लोग आ गए हैं। आइए, चू भी नहीं करेगा, मैं आश्वासन देता हूँ, हमारी गर्दने रखी है, आप तलवार लाइए, गोली लाइए, पहली किस्त तैयार, लेकिन उसके बाद शांति होनी चाहिए। ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल पर एकत्रित हुए लोगों ने पूरे मामले को लेकर शहर कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह कठैत को भी पद से हटाने की मांग की है। अपनी पुस्तक में अमर्यादित टिप्पणी करने एवं हाल ही में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुस्लिम समाज ने 2 मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। इससे पहले हरिद्वार धर्म संसद और छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पार्टी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से गांधी पार्क तक जुलूस निकाला था और 1 घंटे का मौन उपवास भी रखा था। उन्होंने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। उन नाथुराम गोड़से जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसी होगा नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते। हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़िया है, पुलिस भी गुलाम है। किसकी? प्रशासन का। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। नाथुराम गोडसे, अमर रहे, अमर रहे।
अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।